साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेना क्लासेस पर। देखिए, आपको देखना होंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी की सीरीज आपकी चल रही थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कौन सा हम आपके लिए लेकर के आए हैं? अगला वीडियो इसी श्रेणी में, ठीक है। और एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। और ये एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास सिक्स की हम आपको बता चुके हैं, या आपके क्लास सेवन्थ का इसमें है, ठीक है। क्लास सेवन की पूरी जो बुक समरी है वो पूरा इसमें है, एमसीक्यू और थ्योरी के माध्यम से, ठीक है। और इसके बाद आपको हमने क्लास इलेवेंथ, ट्वेल्थ और टेंथ का जो है हमने आपको मिक्सअप करके कराया, क्योंकि वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बनते यहाँ से भी हैं, तो इनको एक सेपरेट सेपरेट पूरे क्लासेस में ही कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को देखिए, सी यू ई टी वाले बच्चे जरूर देखें। टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, फ्री मॉक टेस्ट उनके चल रहे हैं, जीके जीएस के और इंग्लिश के, हिंदी के, उनको जरूर देखिए। और रीजनिंग की क्लास भी आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में, और वीडियो का एग्ज़ाम का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा पर्यावरण, आपको पता होगा हमारा पर्यावरण क्लास सेवन की एनसीईआरटी जिन लोगों ने पढ़ी होगी या जो बच्चे पढ़ चुके होंगे वो आप देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है पर्यावरण से। कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? अब इसमें अगर आप पर्यावरण पूछेंगे तो एक थ्योरी होती थी, ऑल थिंग इज अराउंड अस इज नोन एज एनवायरनमेंट, तो वो सभी है। देखिए, हमारे अराउंड मनुष्य भी हैं, इस प्रकृति भी, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, सभी उपयोग सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है पहले का, ठीक है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। क्या ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है कि वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु परिवर्तन होता है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं? मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी तीनों ही सही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही उसका अस्तित्व है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल हमारे और ना हो, गुरुत्वाकर्षण बल ही तो थामे रखता है पूरे वायुमंडल को, और सूर्य की हानिकारक किरणों से ही बचाता है, ये भी याद रखिएगा, और परिवर्तन भी होते हैं। चलिए अगला, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए, इसकी एनवायरमेंट ये वर्ड था जिससे इसकी उत्पत्ति हुई। अब तो लोग एनवायरमेंट बोलते हैं, लेकिन ये सही वर्ड इसका एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट, ठीक है। और फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं? एन वाई रो नेर, तो फ्रेंच से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, इसका मीन्स होता है सराउंडिंग, हमने आपको बताया था कि हमारे सब सराउंडिंग जो भी है वो एनवायरमेंट होता है। परितंत्र को सही तरीके से पूछा गया है, तो परितंत्र सही तरीके से क्या होता है? देखिए, जहाँ पे जीवधारियों की बात आएगी, परितंत्र होगा, जीवधारियों का आपसी संबंध है, पर्यावरण के बीच का संबंध, ठीक है। चलिए अगला, एक सूची आपको दी गई है सबमिट करनी, ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना। देखिएगा, जयमंडल दिया है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, बताइए कहाँ कहाँ किसका मिलान होगा। देखिए, जयमंडल की अगर बात करी जाए तो ये आपका मिलेगा पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जल, स्थल, वायु तीनों मिलते हैं, संभव बनाते हैं, ठीक। अब जब जलमंडल की बात आएगी, वायुमंडल आपका होगा क्या? पहला, ठीक है। और जब जलमंडल की आपकी इसकी बात आएगी जलमंडल की, तो जलमंडल जलीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। और डी का मतलब क्या होगा? डी का मतलब आपका होगा क्या? डी का मतलब आपका पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, यानी इसमें दिया नहीं है, वो चौथा बना सकते हैं हम, है कठोर परत पृथ्वी की, ठीक है, कठोर परत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को पता है, बहुत बार पूछा जाता है, इस बार की थीम याद रखिएगा 2022 की थीम, क्योंकि 2023 के एग्ज़ाम तो बाद में, अभी एग्ज़ाम से पहले ही पूछा, 2022 की थीम बताइएगा क्या थी? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्टार्टिंग कब से हुई थी आपकी, या बता सकता है कोई? कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक आता है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी कदम आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी तथा सबसे पतली परत है, महासागरी परत की मोटाई महाद्वीपीय परत प्रॉपर्टी से अधिक होती है, पता है इसमें कौन सा राइट आंसर है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, पहला वाला, पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं, आपकी सबसे पतली परत भी होती, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 35 किलोमीटर होती है इसकी मोटाई, याद रख लीजिएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में ये। अगला कथन असत्य कौन सा है? महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिल्का एलुमिना जैसे खनिजों से बनी, महासागरी प्रॉपर्टी सिल्का आयरन से बनी हुई प्रॉपर्टी की सतह पर प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल क्रोड परत का विकास हुआ है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड यानी कोर कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकल एवं लोहे से बनी है,
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आप ऑप्शन नंबर बी, कथन ये क्या बोला सकते हैं, महासागरीय बावड़ी सिलिका आयरन से नहीं बनी हुई, ठीक है, सिलिका आयरन से नहीं बनी है, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं? इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। तो जब सेल बनता है उस सेल को क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं आपका आग्नेय सेल, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, किस परत का है? क्रोट का, ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है, क्रोट का है। ठीक, पृथ्वी की त्रिज्या बता सकता है कोई? 63 से 71 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठंडा है ठीक है, तब इस प्रकार बहिर्वेदी आग्नेय सेल, तथा जब द्रवित मैग्मा भूपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा होता है अंतर्वेदी आग्नेय सेल, बहिर्वेदी आग्नेय सेल की रचना बड़े दानों वाले से होती है और अंतर्वेदी आग्नेय सेल के महीन दानों वालों से होती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा केवल सही है। चलिए अगला देखते हैं। दो सूचियाँ दी गई हैं, फिर आपको मिलाना, देखिए यही आ गई जो सूची आपको बताई गई थी। अब इसमें आपसे कौन कौन से सतत्व पाए जा रहे हैं, इससे ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, समीक्षा अधिकारी वालों भी ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अंतर्भेदी आग्नेय सेल में होता है आपका ग्रेनाइट से, तो पहला तो तीसरे से मिलेगा। बहिर्वेदी आपका मिलेगा बिसार से, यानी बी का टू इसी में है। अवसादी चूना पत्थर का यांत्रित स्लेट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, फिर आपसे कथन असत्य इस बार सत्य पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको कथन कौन सा कथन सत्य है? तो औषधि सेलों के बारे में पूछा जा रहा है, ये देखते हैं। औषधि सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के औषधि के निक्षेपणों से होता है, जीवाश्म मिलने कोई संभावना नहीं होती, ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं, ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका पहला और तीसरा केवल सही है, ठीक है, पहला और तीसरा जो है आपका इसमें सही है। अगला, पृथ्वी की गति के संदर्भ पूछा गया, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में गठित होते हैं अंतर्जन बल कहलाते हैं, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहा जाता है, बताइए कौन सा सही होगा? दोनों ही सही होंगे, ठीक है, दोनों ही सही होंगे, पहला और दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल का यांत्रिक सेल परिवर्तित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका दोनों ही सही है, आग्नेय भी है और औषधि है, यानी दोनों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, हमारी बदलती हुई पृथ्वी के बारे में क्वेश्चंस कुछ बनेंगे आपके, देखिए जो टॉपिक है। तो कारण क्या है इसमें? नीचे कथन में आपको पढ़ना है, पृथ्वी का अस्थमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती है, कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। राइट आंसर क्या होगा? पहला इसका, दोनों ही सही हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लेकिन में से कौन सा कथन सत्य आपसे पूछा जा रहा है? भूकंप के क्वेश्चन देखिए बारे में, भूकंप के अंतर्गत प्रॉपर्टी नीचे का वह स्थान जहाँ पर कंपन का आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है, बताइए ये सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, बताइए कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं, तो नंबर सी और ए और दो दोनों सही हैं। जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करता है वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो इन बड़े मोड़ों को आप बोलते हैं विसर्प, आपने नाम सुना होगा, विसर्प बोलते हैं, यानी मेंडर्स इनको इंग्लिश में कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मेंडर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला, नई द्वारा चापाकार यानी ऑक्सपो लेक का निर्माण किया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऑक्सपो लेक का निर्माण कहाँ किया जाता है? मैदानी भागों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जब विसर्प बनता है उसी के बाद ये बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? कौन सी तटीय आकृति बनाई जाती है? सभी बनती हैं, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्री उपयुक्त, सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोएस्ट के निर्माण हेतु
लोरिस का निर्माण हेतु उत्तरदायी है, तो कौन सा उत्तरदायी है? इसमें आपका उत्तरदायी है पवन, ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ एयर से क्वेश्चन है आपके, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधा वायुमंडल से पूरा करते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं है। ठीक है, पौधे जो हैं वो अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं, ऐसा नहीं है। वो वायुमंडल से न लेकर के मृदा से पूरा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल में पाए जाने गैसों के क्रमों के आधार पर अवरोही क्रम, यानी अधिक से, यानी ज़्यादा से कम की ओर, सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है? देखिए नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा, 78%। देन ऑक्सीजन 21%। देन आपकी आर्गन होती है 0.93%, ये परसेंटेज याद रख लीजिएगा। फिर आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एंड अन्य गैसें आपकी 0.04% होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कोहरा, ओला दर्पण, ठीक है, ये आपकी जो वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी क्षोभमंडल में घटित होती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्षोभमंडल कितनी है? ये आपकी 13 किलोमीटर है सतह से, और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो क्षोभमंडल में होती है, ऑप्शन नंबर ए। समताप मंडल में से निम्नलिखित संबंध कथनों पर विचार करना है। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल, परतों बादलों मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। समताप मंडल के बारे में कहा जा रहा है, ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित है। बताइए कौन सा सही आंसर है? इसका राइट आंसर है सभी सही हैं। ठीक है, सभी सही हैं। 50 किलोमीटर तक होती है ये। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके मध्य मंडल में जलने लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परतों को ओजोनोस्फेयर की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर विश्वभर। कौन सा सही है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। अगला देखिए, कौन सा कथन सत्य है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन, यानी इंसोलेशन कहलाती है। सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है, बताइए कौन सा सही होगा? इसमें केवल आपका ऑप्शन नंबर एक सही होगा, ए। कथनों पे आपको विचार करना है। वायुदाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तप द्वारा प्रभावित होता है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। उच्च वायुदाब के क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न क्षेत्र दाब की ओर गमन करती है, बताइए कौन सा इसका सही होगा? इसके आपके सभी राइट आंसर होंगे, चारों ही, ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्नलिखित में से आपको युग्म पहचानना है, ठीक है, जो साल भर वर्षा होती है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवने, देखिए पवने से क्वेश्चन है यहाँ पे, उनको क्या बोलते हैं? स्थानीय पवने बोलते हैं। अगला मौसमी पवन, जो दिशा बदलने वाली होती है विभिन्न ऋतुओं में, और छोटे मोटे स्थानों के लिए उनको स्थायी पवन कहा जाता है, बताइए कौन सा सही है? इसमें केवल दूसरा सही है, मौसमी पवन, ऑप्शन नंबर बी। अगला जली प्रक्रिया जली चक्र में सम्मिलित है, बताइए कौन सी सम्मिलित है? सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वाष्पीकरण संघनन वर्षण तीनों। लेकिन में से किसका सागरी जल मतलब किसका जो है सागरी जल लवणता में सर्वाधिक योगदान है, मतलब अगर सागर में लवणता बढ़ी हुई है तो किसकी वजह से? वो सोडियम क्लोराइड की वजह से है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, खाने का नमक जिसे कहा जाता है। महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं? सभी को पता है, तीनों का एक साथ आना, सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। वृहद ज्वार आने की स्थिति क्या होती है? ज्वारभाटा होता है ना, तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते तब वृहद ज्वार ज्वारभाटा आता है, वृहद ज्वार आता है। ठीक है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको बताना है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी
एक सीध में ना होकर समकोण पर होते तो चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। स्थिति में ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होती है। बताइए तिथि के बच्चे बारे में पूछा जाए, दोनों ही सही हैं, इसी तिथि को होते हैं। लेकिन में से कौन सा लाभ उच्च ज्वार से संबंधित है? अब उच्च ज्वार से आपके जो लाभ होते हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं, तो कौन से लाभ होते हैं? नौसंचार में सहायक होते हैं, मछली पकड़ने में कि हाँ जब ऊपर सारी मछली आ जाती हैं, अधिकांश संख्या में निकट आ जाती हैं, जल विद्युत उत्पादित की जाती है, तो तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सभी उपयुक्त उपयुक्त सभी सही हैं। महासागरीय धाराओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य आपसे पूछा जा रहा है? तो इसके बारे में आपका कथन जो असत्य है वो लेब्राडोर की महासागरीय धाराएं उष्ण जल धाराएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य उत्पादन क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है जहाँ पे सी जलवायु धाराएं होती हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सुनामी आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर डी जापानी। अगला, वनस्पति की वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? सभी पर निर्भर करती है। तापमान भी होना चाहिए, नमी भी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, मिट्टी की मृदा की मोटाई और वन्य जीव, चारों उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए नीचे कथनों पर आपको विचार करना है। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंचता है और अपनी पत्तियां जो हैं पूरी तरह गिरा देते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। तीनों सही हैं, चौथा नहीं, पहला दूसरा तीसरा सही है। अगला आपसे पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसके दोनों ही सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला, नीचे दिए कथनों को ध्यान से पढ़ना है। ये वन मध्य अक्षांश के निकट तटीय प्रदेशों में है। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं। बताइए कौन सा ये जो वन है ये किस प्रकार की विशेषताओं वाले हैं? ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट सीज होने वाली है आपके लिए। तो बताइए कौन सा जो है ये किस वनों के बारे में कहा जा रहा है? ये शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में है। ऑप्शन नंबर बी, मुलायम और दृढ़ दोनों होते हैं, किनारों पर पाए जाते हैं, तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये क्षेत्र आपको मिलेंगे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में, दक्षिण पूर्व अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट USA, ठीक, चाइना में, ठीक है, साउथ चाइना में मिलेगा, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और इनमें आपको जैसे मजबूत और इसकी बात करी गई है तो मजबूत में आपके कौन से आएंगे? यूकेलिप्टस आएगा, ठीक है, और चीड़ का पेड़ इसमें आता है, चीड़ का पेड़। चलिए अगला देखते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे कथनों में से कौन सा कथन सही है? उच्च अक्षांशों के ऊपर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका में पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। तो बताइए ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला, किस प्रकार के वनों को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ठीक है, विश्व का फलोद्यान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है कई बार। तो किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है भूमध्य सागरी वनों को, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपके ज़्यादातर कैसे वन होते हैं जब फलोद्यान की बात करिए तो इसमें संतरा होगा, नींबू होगा, अंगूर, जैतून, ये सब होते हैं। महाद्वीपों के किस भूभाग में भूमध्य सागरी वनस्पति पाई जाती है? किस भूभाग में पाई जाती है भूमध्य सागरी वनस्पति? पहला और आपका ऑप्शन है पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी, तो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भाग दोनों में पाई जाती है, यानी पहला और तीसरा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब शंकुधारी वनों के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित वनों के संदर्भ में शंकुधारी वन गोलार्ध में उच्च 650 से 70 डिग्री में, हिमालय में एवं प्रचुर मात्रा में, शंकुधारी वनों के वृक्ष कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के, शंकुधारी वनों को टैगा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टैगा कहा जाता है। तो बताइए सही है,
इसमें केवल आपका, देखिए टैगा वाला ऑप्शन आपका सही है, तीसरा नहीं सही है, हिमालय में वन पशु मतलब में पहला, तो पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सूचियाँ दी गई हैं, मिलाना है आपको वन और कौन, उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चीड़ और सॉरी हाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन में कौन सा पाया जाएगा, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन में आपके पाए जाएंगे आप बुनास और महोगनी, यानी पहले का तो चौथा है। अब ये कट गया, ये कट गया, ठीक ऐसे ही करा करिए इन क्वेश्चंस को। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, अब इससे कुछ लोगों को नहीं पता, शंकुधारी वन के बारे में मैंने बताया था, शंकुधारी वन में कौन से आते हैं, चीड़ देवदार, तो डी का पहला। आपको सारे नहीं पता लेकिन आपको एक मिल गया डी का पहला, तो डी पहला किस में है, एस एफ सी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सागौन साल जो है आपके शीतोष्ण पर्णपाती वन में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सदाबहार वन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कुछ, क्या पूछा जा रहा है, ये जो स्थल है सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में, घास आमतौर पर छोटी होती, अफ्रीका का सवाना स्थल उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर डी, उमर रेखा में पाए जाते हैं और आमतौर पर छोटी होती है। अगला, इन क्षेत्रों में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, केवल कार्ड लाइकेन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, देखिए हाँ इन वनों क्षेत्रों, देखिए ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है आपसे कि 12वां क्वेश्चन है, इन क्षेत्रों में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, यहाँ केवल काई, ठीक है ये काई है, कार्ड नहीं है, कंटेंट बनाने वालों को तो कुछ क्या बताया जाए। काई लाइकेन छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, बताइए इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें आपको जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सी सही है बताइए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, देखिए इसमें आपको जो राइट आंसर है वो है ध्रुवीय क्षेत्र, वो इसमें दिया नहीं गया है तो आप लिख लीजिए ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक ये इसका राइट आंसर है। अगला आपका कुछ घास स्थलों पर आपको विचार करना है, सवाना वेल्ट कंपोस्ट लानोस, ठीक है तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय बांस के स्थल हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं, ठीक है ये बांस नहीं घास घास के स्थल हैं, तो घास कौन कौन सी हैं, देखिए आपकी कौन कौन सी घासें हैं, इसमें जो आपकी घासें हैं सवाना है, कॉम्पोस है, ठीक है और लानोज है, और ये ज़्यादातर पाई कहाँ जाती हैं, देखिए साउथ अफ्रीका की तरफ पाई जाती हैं, ब्राज़ील में पाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉम्पोस, ये ब्राज़ील वाली है ब्राज़ील, ठीक है, और वेनेजुएला में जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लानोज। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है, शीतोष्ण घास के स्थल के प्रमुख उदाहरण आपसे पूछे जा रहे हैं, तो कौन कौन से हैं, इसमें देखिए सभी हैं, पैम्बास भी है, प्रेरी भी है, वेल्ड भी, स्टेपीज भी, डाउंस भी हैं, ठीक है डाउंस भी हैं, ठीक। अब पम्बास कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक। प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं, पेरी पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, वेल्ट कहाँ पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं मध्य एशिया में, मध्य एशिया में, और डाउंस कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके ये उपयुक्त सभी इसमें सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, शीतोष्ण घास के स्थल के संदर्भ में आपसे विचार करने को कहा गया है कि ये घास स्थल अक्षांशीय क्षेत्रों एवं महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं, आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है घास है, तो बताइए इसके बारे में क्या सही है, आमतौर पर ये छोटी होती है, आमतौर पर ये छोटी होती है और प्रोटीन युक्त भी आपसे कहा जा रहा है ये होती है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जामों में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों सही हैं, ऑप्शन एक और दो दोनों ही सही हैं आपके सी। अगला,
अगला क्या है देखिए, मानव बस्तियों के संबंध में कथनों पर आपसे विचार करने कहा गया है। वे स्थान जहाँ भवन और बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसवा स्थान कहते हैं, बसाव स्थान कहते हैं। घने जंगलों एवं गर्म ठंडे रेगिस्तानों पर्वतों के निवासी स्थायी बस्तियों में रहते हैं, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा, केवल एक। ठीक है, अगला, प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो जो प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियाँ आपकी पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपकी, एक तो पहला पहाड़ी क्षेत्रों में, दूसरा घने जंगली क्षेत्रों में। अब प्रकीर्ण प्रकार होता क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रकीर्ण प्रकार देखिए सघन बस्तियाँ होती, घर बहुत पास पास बने होते हैं और अति विषम जलवायु, तो दोनों जगह वही पाई जाएगी। कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बनते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस आप लोग बोल देते हैं, तो सबवे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, स्टैटिक जीके जीके सीयूईटी सब लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, तो कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये पश्चिमी रूट में सेंट पीटर्सबर्ग जो है वहाँ से व्लादिवोस्टोक रूस तक जाता है। अगला, जलमार्ग के संबंध में कथन से पूछा गया, अधिक दूरी में भारी व कड़े बड़े आकार वाले सामानों को ढूंढने के जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है, केवल नदियों का उपयोग देसी जलमार्ग के लिए होता है, बताइए कौन सा राइट आंसर है। इसमें पहला है केवल आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक, ऑप्शन नंबर एक। अगला, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश में से आपसे क्वेश्चन जो बनते हैं देखिए क्या है। अमेजन नदी जो है बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली, जिसका कारण पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिनों और रात दोनों एक ही समय लगभग समरूप से गर्म व आर्द्र रहता है। इस देश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी जो है बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो इसमें कौन सा सही है, देखिए इसमें तीनों सही हैं आपके, ऑप्शन नंबर डी, अमेजोन के बारे में बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, और इनको वर्ड्स के लंग्स भी कहा जाता है। आर्किड एवं ब्रोमेलियाड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं वर्षावन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, अमेजोन नदी द्रोणी के वर्षावन के संदर्भ में मलोका किससे निरूपित करता है, मलोका से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मलोका तो ये जो आपका मलोका कहे जाना, बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं, ये याद रखिएगा, इसमें ढलान जैसी छतें पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घरों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदियों के बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है, सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है, तो पहले तो गंगा में, गंगा डॉल्फिन भारत का जो बन गया है, ठीक है, और दूसरा लूनी में, तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा इसका सही ऑप्शन नंबर सी। अगला, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, आप सभी को पता होगा कोलकाता किस नदी के तट पर है, हुगली नदी के तट पर है। अच्छा, प्रेरी घास के मैदान के बारे में आपसे एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, प्रेरी घास के जो मैदान होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, प्रेरी घास के मैदान पश्चिम में पर्वत रॉकी पर्वत, पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं क्या, ये बात सही है। प्रेरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं, जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, विलो, आल्डर, पॉपलर जैसे पेड़ उगते हैं, पॉपलर बोला जाता है। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है, बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर। इसमें देखिए सभी हैं, ये घिरे हुए हैं वहाँ से, ठीक है, ये घिरे हुए हैं वहाँ से, ठीक, दोनों तरफ से, और वृक्ष विहीन होते हैं, पानी मिलते ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अफवाह तंत्र का आपका घास के मैदान प्रेरी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, मिसिसिपी, सास्केचवान, हडसन और नील, इनमें से कौन सी है, इनमें से आपकी केवल मिसिसिपी और सास्केचवान है, ऑप्शन नंबर ए इसका केवल राइट आंसर है। प्रेरी कहा जाता है, प्रेरी कहा जाता है, अब प्रेरी किसे कहा जाता है, प्रेरी आपका बोला जाता है उत्तर अमेरिका के समशीतोष्ण घास स्थलों को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है, कारण प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें अगर आपका देखा जाए धान्यागार मतलब काफ़ी जो है वहाँ पे पाया जाता है क्या, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला जाएगा, यानी काफ़ी भंडार पाया जाता है, तो देखिए दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर है। अगला, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं,
हमने बताया था स्टेपीज बोलते हैं, साउथ अफ्रीका से स्टेपीज, सॉरी वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं। वेल्ड घास के मैदान के कथन पूछे जा रहे हैं इनमें से। इसके पश्चिम में कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। जायरे इसकी सहायक नदियाँ हैं, जायरे एवं इसकी सहायक नदियाँ इस प्रदेश में सिंचित करती है। इसको बताइए कौन सा सही है। इसमें देखिए पहला सही है, कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है रेगिस्तान से संबंधित ही है। मरुधान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुधान बन जाते हैं और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। अगला, रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आता है ऐसे क्षेत्रों को मरुधान कहते हैं। अगला, रेगिस्तान वह क्षेत्र जहाँ बंजरी या मैदान नग्न चट्टाने वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं मरुधान कहलाते हैं। मरुधान के बारे में कौन सा सही है? केवल केवल दूसरा ऑप्शन सही है, जहाँ पर जल सतह पर आ जाता है मरुधान बन जाते हैं वो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, जम्मू कश्मीर में लद्दाख में कौन सा कथन पूछा? लद्दाख में कि पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं पश्चिम में जास्कर, लद्दाख के उत्तर में नागा पर्वत, दक्षिण में पीर पंजाल, लद्दाख के उत्तर में नागा पर्वत, दक्षिण में कारा, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। लद्दाख के प्रमुख से पूरे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका है, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम श्रेणियाँ और दक्षिण में जास्कर, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र में होकर बहती हैं? तो लद्दाख क्षेत्र में होकर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो सिंधु और श्योक, श्योक रिवर याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन होगा पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर डी। कई कई जगह मिसप्रिंट है तो आपको क्वेश्चन और डाटा से मतलब होना चाहिए, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगला, भारत के उत्तर में स्थित लद्दाख का एक शीत मरुस्थल कारण क्या है? लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया में है, बताइए दोनों में से कौन सही होगा? लद्दाख वृष्टि छाया में है, तो हाँ बिल्कुल ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, वृष्टि छाया में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे कथनों पर आपको विचार करना है। लद्दाख घाटी में सरपत यानी विलो पापलर के वन उगाए जा सकते हैं या उगते हैं या पाए जाते हैं कहा जाए। यहाँ के अधिकांश हिंदू या जैन हैं। बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा में स्थित है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पहला और तीसरा हमारा इसका सही जवाब है, पहला और तीसरा, दूसरा नहीं है, ठीक है। मुस्लिम है या बौद्ध हैं ये नहीं है, ठीक है, मुस्लिम या बौद्ध हैं वहाँ पे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगेगा ही क्योंकि इसमें बेहतरीन जानकारियाँ हैं। क्लास 7 की आपकी एनसीईआरटी हमने फिनिश की है पूरी, इससे बाहर कुछ नहीं है, पूरा एनसीईआरटी का सार है, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी आपको डिटेल में भी बताई जाएगी, ठीक है। आने वाले वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए और पूरी प्लेलिस्ट के वीडियोस को देख रहे, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं।